तो आप लोग 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मेरी आंखों में ना दाने हो जाते हैं मतलब। ट्रैविस रुक जा भाई, वेट्स, मेरी वेट्स है ट्रैविस। तो फिर एक सेकंड रुको, माइक देखना पड़ता चल रहा है कि नहीं। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय तुषार। जो तो भाई अभी हो रहे हैं, तो अभी हो रहे हैं 7:55, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो अभी हो रहे 7:55। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं। चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप कैसे मिलती हैं, आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, और किन किन को मिल सकती है, मतलब वो एक ही बात है। तो आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और मैं कितना अटक रहा हूँ, और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर लॉकडाउन हो रहा है और ऊबर की वीडियोज आप लोग कितनी देखोगे, है ना। मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो गए, क्योंकि मैं खुद ऊबर बना बना के थोड़ा सा बोर हो गया। इफ़ यू वॉन्ट मी टू पुट सम मोर ऊबर वीडियोज, लेट मी नो कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, या फिर आप लोग को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। तो Tushar Bareja 20, हम आज करेंगे स्कॉलरशिप की बात, उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद मैं एक बार पहले ना जब एपिंग में ही रहता था, तो मैं थोड़ा बहुत दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करवाई थी, जब अपने पास थी दाढ़ी तब हमने ट्रिम करवाई थी। और उसके बाद मैं केमिस्ट वेयरहाउस गया था, तो परफ्यूम वगैरह के, जिम वगैरह के थोड़े बहुत मैंने प्रोडक्ट्स खाए थे, तो वो सब मैं वीडियो के बाद डाल दूंगा। तो जो स्कॉलरशिप्स होती है वो काफी ज्यादा टाइप्स की होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है अभी बताता हूं मैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को सबसे पहले जाना होता है गूगल पे, ठीक है, गूगल खोलना है। अब मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी, आप मान लो आप मैक्वेरी में आ रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्वेरी यूनिवर्सिटी नहीं, पर्टिकुलर कोर्स टाइप करना है आपने, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग हमने खोल लिया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कोर्सेज पे, ठीक है, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा फुद्दू बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों को नुकसान कर सकते हैं कि बोल देंगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। और उसका रीजन क्या होता है मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताता हूँ, रुक जाओ। हम लोग गए, मान लो मैंने कोर्स देख लिया, ठीक है, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग, टीसन स्कॉलरशिप में गए, और उसके बाद इन्होंने बोले डोमेस्टिक स्टूडेंट की फीस है $28,000, ठीक है, और इंटरनेशनल की अलग होती है। व्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल, हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की खोली, आगे 38,000 पूरा लूट रहे, बिल्कुल सामान बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और डोमेस्टिक की फीस होती है वो पेइंग मेथड बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, ये लोग पूरा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद व्हेन दे गेट अ जॉब, तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन इनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कटता है। इंटरनेशनल उनको अपफ्रंट करके पे करनी होती है, ठीक है, एवरी सिक्स मंथ्स, या आपके अगर आपके पास अंधा पैसा है तो पूरे साल की पे कर सकते हो। तो 38,000 इसकी फीस दिखा रहे हैं एक साल की, ठीक है, अभी इसमें स्कॉलरशिप नहीं लगी हुई, ठीक है, ये विदाउट स्कॉलरशिप पे अमाउंट है। हम लोग स्कॉलरशिप कैसे ढूंढेंगे, स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आपको जाना है, मैक्वेरी हैज वन ऑफ द जनरल स्कॉलरशिप, व्हाट स्कॉलरशिप इज राइट फॉर यू, ठीक है, हर यूनिवर्सिटीज में ऐसी लिखा होता है कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है, नहीं, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, इंडिया, एरिया ऑफ स्टडी, बिजनेस, लेवल ऑफ स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अब ऐसे करके ना स्कॉलरशिप आएंगी, ठीक है, हम देखते हैं अभी इसके अंदर जाके। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आती है, जो मेरे को भी मिली थी, वो आती है $10,000 अर्ली एक्सेप्टेंस स्कॉलरशिप साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया में अपना इंडिया भी आता है, तो उसके अंदर ये दे रहे हैं $10,000 एक साल की। काफी सारे लोग पूछते हैं तो शार भाई आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली, तो भाई मेरे को नहीं, सबको मिल जाती है, ठीक है, ये वाली स्कॉलरशिप मोस्टली वैलिड होती है, और जब नहीं वैलिड होती तो नहीं होती। फिर के बाद ये और भी स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप, एलुमनाई स्कॉलरशिप, उसके बाद वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, सेंट जेवियर कोलकाता, ये क्या है, सेंट जेवियर कोलकाता स्कॉलरशिप ऑफर्स 50% ऑफ द ट्यूशन फीस। अब मान लो हमको डीकेएन यूनिवर्सिटी में देखना है, जो मेलबर्न में आती है, ठीक है, मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज का भी तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप लोग खुद से रिसर्च कर सकते हो, मेरे को सिर्फ इतनी अवेयरनेस फैलानी है इसी चीज की कि स्कॉलरशिप आप लोग खुद से ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई एजेंट बोल रही है आपको नहीं मिलेगी या तू एलिजिबल नहीं है, और वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मान लो आपकी $30,000 स्कॉलरशिप है पूरे साल, $30,000 आपकी फीस है पूरे साल की, आपको मान लो मिल रही है $10,000 स्कॉलरशिप, मतलब 100% मान लो कि आपको मिल रही है 10,000, तो आपकी फीस कितनी होगी, 20,000 होगी, है ना। अब जो एजेंट को जो कमीशन आती है वो आती है 10% पूरे फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट टर्म की, मैंने ऐसे सुना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म की उसको उसकी कमीशन मिलती है। अगर वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा तो उसकी ज्यादा कमीशन बनेगी, अगर आपको स्कॉलरशिप दे देगा उसकी कम कमीशन बनेगी। तो कुछ कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सा फुद्दू बनाते हैं और बोल देते हैं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ताकि उनका प्रॉफिट हो जाए। और अगर आप लोग खुद से अवेयर रहोगे तो आपको पता है कि मेरे को एक साल की 10,000 मिल रही है, तो मेरे 10,000 बच रहे हैं, 5,00,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो अगर आप लोगों के स्कॉलरशिप के थ्रू बच जाए तो मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। अब एजेंट ऐसी चीजें नहीं दिखाते हैं, वो चीज को अवेयर करने के लिए आज मैं आपको स्कॉलरशिप दिखा रहा हूँ कैसे मिलती है। हम लोगों ने खोला मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डीकेएन यूनिवर्सिटी का। अब हम लोगों को नीचे आना है फीस एंड स्कॉलरशिप पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे एस्टिमेट ट्यूशन फीस ये सब पहले रुको, हमको देखने की इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला पेज है कि नहीं। हाँ, हमको सबसे पहले इसको स्विच करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, क्योंकि हम डोमेस्टिक स्टूडेंट नहीं है। फीस एंड स्कॉलरशिप्स में हम लोग आ गए, तो ये हम पहले वाला खोलेंगे। अभी हम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप, इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने लिखी हुई है, अभी खुली हुई है, क्लोज हो जाएगी ट्राइमेस्टर थर्ड तक, जो नवंबर से चलता है फरवरी तक। 20% ऑफ ऑन योर टोटल कोर्स, 20% मतलब $43,000 की स्कॉलरशिप है, 20% कितना हो गया उसका, $8,000 आपके ऑफ हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एप्लीकेंट
एप्लीकेंट्स मस्ट बी अ प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट मीट ऑल द एंट्री रिक्वायरमेंट मतलब आईज लैंग्वेज के लिए और ये सब इनकी और भी इन्होंने दे रखी है हाउ टू अप्लाई ईमेल द फैकल्टी ये सब अप्लाई हो जाता है वो एजेंट कर देता है बस आपको अवेयर रहना कि मेरे को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है अब हम लोग दूसरी स्कॉलरशिप देखते हैं वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर मास्टर्स ठीक है जो सबसे पहले डीकेएन की स्कॉलरशिप है वो है डीकेएन स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस ठीक है ये है $10,000 ठीक है दिस स्कॉलरशिप इज डिजाइन हु एक्सेप्शनली प्रॉमिस विद इन द बियॉन्ड अकेडमिक अचीवमेंट्स ठीक है क्योंकि मान लो कि 75% आ रहे हैं इफ यू आर गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन एवरी सेमेस्टर देन आप लोगों को $10,000 की स्कॉलरशिप दे देंगे जो इनकी दूसरी है वो डीकेएन स्टूडेंट सपोर्ट तो डीकेएन एक्सीलेंस वाली हो गई एक डीकेएन स्टूडेंट सपोर्ट वाली होगी जैसे कोविड पैंडमिक चल रहा है प्रॉब्लम्स हो रही है तो यूनिवर्सिटी भी थोड़े बहुत आपको लोगों को पैसे दे सकती है डे कंपनसेट करने के लिए जैसे मकोरी ने भी हम लोगों को $2,000 दिए थे जब बहुत ज्यादा कोविड चल रहा था अब अगली है मास्टर्स ऑफ लॉ LLM डोमेस्टिक आप जिस भी यूनिवर्सिटी का खोलोगे आपको उसको स्कॉलरशिप का दिख जाएगा अब हम लोग जा रहे हैं मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में ठीक है तो इनको फीस बताइए $39,400 एक साल की फीस है सर्च एंड ब्राउज फॉर स्कॉलरशिप विद स्कॉलरशिप इज फॉर मी ये हमको अंडर ग्रेजुएट आ गई रिसर्च आ गई एक्सटर्नल आ गई इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप तो 10% रिडक्शन पर यूनिट मान लो अगर आपका यूनिट 5,000 का है एक आपका सब्जेक्ट 5,000 का है तो आपको 4,500 का पड़ जाएगा ऐसी डीकेएन वाइस चांसलर हो गई 100-50% स्कॉलरशिप ऑफ ऑन योर ट्यूशन फीस प्लस ये एक्सेलेंस वाली होती है ये वाली जो होती है एक्सेलेंस वाली होती है डीकेएन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 25% स्कॉलरशिप और स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कोर्स ठीक है हर यूनिवर्सिटी में अलग होती है मैंने आप लोगों को मकवरी में दिखाया उधर उतने की थी इधर 25% है हर चीज की आपको अलग अलग स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है जिसको जो में इंटरेस्ट है ठीक है अगली डीकेएन वाइस चांसलर मेरिटोरियस 100% स्कॉलरशिप इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 100% आपको स्कॉलरशिप जो इसके क्राइटेरिया होते हैं वो लिखा है एप्लीकेशन शुड बी एन इंडियन सिटीजन विद अ वैलिड पासपोर्ट एप्लीकेशन शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये सब आप पढ़ लोगे ठीक है उसके बाद लिखा है एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको एकेडमिकली कितने मार्क्स चाहिए 85% आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए अपने 12th में CBSE बोर्ड में 10 ओवरऑल आपको GSE हमारे वहां पे नहीं होता था ए लेवल ठीक है 32 ओवरऑल इन इंटरनेशनल डिप्लोमा ये सब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आपको फुल स्कॉलरशिप चाहिए तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ठीक है ये सब इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाती है और आप लोग कोई भी स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हो तो आप लोग ऐसे कर करके किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देख सकते हो ठीक है आप लोग किस किस के लिए एलिजिबल हो अगर आप लोग अच्छा स्कोर करते हो देन आप लोगों को और मिलती है अगर आप लोगों के बैकग्राउंड में अच्छे मार्क्स है जैसे मैंने आपको दिखाया तो आप लोग 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अब हम जाते हैं बाहर मेडिकल नहीं जहां मैं गया था देख लो अभी तो वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू चैनल दिस इज जीवत सरजब तो भाई रिसेंटली अभी मैंने बाल वगैरह कटवाए थे और दाढ़ी कटवाना भूल गया था और एक रीजन ये भी था कि जहां से मैं बाल कटवाता हूं ना वहां पे सारे जेंट्स काम करते हैं और दूसरा रीजन मतलब मेन ही इतना मतलब वो रीजन नहीं है मतलब सुनो एक बार ध्यान से तो जिस जगह मैं गया था वो जगह फुल थी ठीक है सैटरडे को मैंने बाल कटाए थे पीछे और वो जगह फुल थी तो उन्होंने हेयर कट किया मैंने उनको बीएड का बोला भी नहीं था मैंने कहा था हेयर कट करा दो क्योंकि वहां पे बीएड होती है $20 की और जो मेरी बिल्डिंग के नीचे जो एक सलून है उसमें होती है $10 की तो हम वहां से कटवाएंगे आज मतलब लड़का लड़की वाला कोई सीनियर समझ रहे हो ना महंगी होती थी यहाँ सस्ती होती है तो हम जा रहे हैं दाढ़ी कटवाने के लिए उसके बाद मेरे को जाना है केमिस्ट वेयर हाउस से मेरे को लेने हैं क्या लेना था तो हाँ मैं कह रहा था कि मेरी आंखों में ना दाने हो जाते हैं मतलब साल में एक बार ही ऐसे होता है मेरी आंखों के अंदर मतलब आप लोगों को नहीं होता होगा बट इधर होता है मेरी आंखों में ना दाने हो जाते हैं तो उससे इरिटेशन होती है फिर मैं खुजली करता हूँ फिर वो लाल हो जाती है तो मुझे उसके लिए वो चाहिए फ्रेश टीयर्स होता है क्या होता है पता नहीं तो वो लेके आना है लगे हाथ परफ्यूम भी देख लेंगे और एक और चीज़ लेनी है गलत मत समझना और अच्छी चीज़ें होगी और भाई एक चीज और मेरे को बतानी है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रह रहा हूँ ठीक है मेरी से नहीं है मतलब टेनेंट ये मैं खाली कर रहा हूँ तो दीज आर गोना बी फ्यू लास्ट डेज इन बिल्डिंग्स में ये वाली मेरी है बाकी तो पड़ोसन है भाई काट दी मस्त कैसे मुंह के अंदर घुस के इधर साइड साइड करके काट रही थी मेरे को इतना डर लग रहा था गला ही ना काट दे मैंने और बात क्या हुई कि इतना ही हुई बियर्ड तो वो बोल रही थी $15 कैश पे और अगर तुम कार्ड से पे करोगे तो $17 और अगर तुम और क्या कह रही थी हाँ और अगर तुम पैसे ला सकते हो तो ले आओ मैंने कहा $2 बचा लेंगे हम ले आएंगे पैसे तो इधर उधर खर्च कर देते हैं पर अभी मैंने कहा मार्केट जा ही रहा था तो ATM से ले आता हूँ अब आप बोलोगे भाई $2 बचा के क्या उखाड़ लेगा ये वो मैं मार्केट जा ही रहा हूँ $2 पे ₹100 होते हैं भाई बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो मैं कैसे करता हूँ जब कोई छोटी मोटी पेमेंट होती है ना मतलब तो मैं थोड़ा मतलब कुछ नहीं करता छोड़ो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या ब्लॉगिंग कर रखे हम काम का लेने का नहीं है और मन कर रहा है लेने का तो मैं उसको रुपीज़ में सोचता हूँ इतना महंगा है तो मैं नहीं लेता ये
सारे परफ्यूम लगे होते हैं मस्त महंगे महंगे सस्ते में। जैसे देखो भाई ये जिम्मी चू लगा हुआ 69 का, वो 49 का, 1 मिलियन है मेरे पास, ये वाला 79। काफी सारी बड़ी बड़े गुची वगैरह की सस्ते में मिल जाते हैं, जो इंडिया में बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं सस्ते मिल जाते हैं। आई केयर, ये आंखों की केयर, रिफ्रेश टीयर्स चाहिए अपने को, रिफ्रेश टीयर्स की तरह तो गलत जैसे डब्बे लग रहे हैं भाई देखने में। आई केयर तो यही है, ड्राई इरिटेटेड आईज, इरिटेट हो रहा हूं ना मैं बहुत ज्यादा, ये लेनी है अपने को। ये दुकानें होती है केमिस्ट की, प्रोटीन रखे हुए हैं, ये बच्चों के कपड़े धोई के, हेयर बिल्डिंग में सब कुछ होता है ब्रो यहाँ पे। देखो ये प्रोटीन बार्स लगी हुई हैं, ये ले लेते हैं भाई, और एक कुकीज भी, सब कुछ प्रोटीन वगैरह, ये हेयर का भी सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। बहुत बड़ा बाहर जाके बात करता हूँ, शर्म आ रही है मेरे को। अभी मैं जा रहा हूँ कॉमनवेल्थ बैंक उधर, अभी मैं जा रहा हूँ कॉमनवेल्थ बैंक, वहाँ से कैश निकालना है और उसको देना है आंटी को। देख रहे हो ये ब्लू जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फिजिकली एबल लोग होते हैं उनके लिए होती है पार्किंग, तो लोकेशन होती है उसके बहुत पास जैसे वो स्टेशन है, तो ये 3-4 हो गई पार्किंग और फिर नॉर्मल पार्किंग। तो भाई मेरी दाढ़ी फिर से वापस चली गई है, ठीक है, जो हमने आंटी से कटवाई थी वो वापस हो गई और मेरी आ रही धीरे धीरे। अब भैया की वैक्सीन करवानी है हमने, ठीक है, आप लोग 20,000 सब्सक्राइबर भैया के करो और उस वीडियो पे 20,000 लाइक्स करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में आपको कुछ कहना है, इजिली मिल जाती है या नहीं? स्कॉलरशिप सब कुछ बोलते दिया भाई ने, जो भी है रिमाइंड कर लो। नहीं भाई, जो एक तो सबको मिली जाती है, ठीक है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट को, मैं सबको नहीं बोलूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट होती है यूनिवर्सिटी, जैसे मकवरी दे रही थी 20,000, और भी हर यूनिवर्सिटीज अलग अलग देती हैं, बट इट्स ऑलवेज फर्स्ट कम फर्स्ट, और जो बाकी अगर आप आउटस्टैंड परफॉर्मेंस देते हो तो उसके अलग है ना। करेक्ट, और यहाँ पे जो मेरिट के बेस पे मिलते हैं वो अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया सारा कुछ, अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। और भैया को सब्सक्राइबर 20,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 20,000 लाइक्स होने चाहिए, 20,000 लाइक्स तो नहीं होंगे बट मेरी वीडियो पे। ओह आई सी, हां भैया सब्सक्राइब 20,000, क्योंकि आप लोग ना वीडियोस देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब जिन जिन लोग किया उसके लिए थैंक यू भाई, सल्यूट है। बाकी जिन जिन ने किया प्लीज डू कंसीडर, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मेहनत। और हाँ, लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, जल्दी से फुल बॉडी वैक्स। नहीं 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 ट्रेविस रुक जा भाई, वेट्स, मेरी वेट्स है ट्रेविस, ये भाई देखो इसको, पहले मेरे पास आना था, अब इसको बाहर जाना है, क्या चाहिए ट्रेविस?